क्या आपको सूखी खांसी की तकलीफ है या फिर आपको त्वचा के संबंधी अलग अलग रोग हो रहे हैं और इनका इलाज आप करना चाहते हो या फिर आप अपने त्वचा को हमेशा सुंदर बनाए रखना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी एक मुद्रा सिखाने वाला हूं कि जिनके जरिए आप बहुत सारे फायदे अपने शरीर को दे सकते हो। मुद्रा विज्ञानिक ऐसा विज्ञानिक है जिनका अगर आप पूरे विश्वास और दृढ़ लगन के साथ अभ्यास करते हो तो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ऐसे रोग के जिनका इलाज आधुनिक दवाइयों से शक्य नहीं है वैसे रोगों का इलाज भी आप मुद्रा से कर सकते हो। कोई व्यक्ति अगर पूरी तरीके से पथारीवश हो चुका है उनको भी अगर आप एक या तो दो महीने के लिए मुद्रा का अभ्यास करवाते हो तो वह व्यक्ति भी हरता फिरता हो सकता है। छोटी छोटी बीमारियों में मुद्रा का एक दिन का अभ्यास फायदा देता है और पुरानी और गंभीर बीमारियों में आप एक या तो दो महीने के अंदर फायदा ले सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी एक मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। यह मुद्रा का नाम है वरुण मुद्रा, जिनको जल मुद्रा भी बोला जाता है। यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर में जल तत्व को बैलेंस में ला सकते हो और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ बना के रख सकते हो। तो पहले जान लेते कि यह मुद्रा को हमें करना कैसे। यह मुद्रा को करने के लिए हाथ को हमें इस तरीके से रखना है ताकि हथेली आसमान की ओर रहे। इनके बाद लिटिल फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जॉइंट कर देना है और बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा रखना है। तो यह हो गई वरुण मुद्रा। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी हमें यह मुद्रा लगा लेनी है। हथेली को आसमान की ओर रखना है। इनके बाद लिटिल फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जोड़ देना है, बाकी की सभी फिंगर को सीधा रखना है। तो यह हो गई वरुण मुद्रा। इस तरीके से दोनों हाथ पर हमें यह मुद्रा लगा लेनी है। यह मुद्रा को आप कोई भी जगह पर किसी भी वक्त कर सकते हो। आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हो, खड़े होकर कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, टीवी देख के कर सकते हो, म्यूजिक सुनते हुए भी इनको कर सकते हो। पर अगर आप कोई भी योगिक आसन, सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठ के इनको कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह मुद्रा को करने के लिए जमीन पर आसन को इस तरीके से बिछा देना है। इनके ऊपर आपको कोई भी एक योगिक आसन, वज्रासन, पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाना है। दोनों हाथ की हथेली को आमने सामने रब करना है। इनके बाद फिर इनको घुटने या तो फिर थाई के ऊपर रख देना है। दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। इनके बाद फिर लिटिल फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जोड़ देना है, बाकी की सभी फिंगर को सीधा रखना है। इस तरीके से दोनों हाथ पर हमें वरुण मुद्रा बना लेनी है। स्पाइन को सीधा करना है, आंखें बंद करनी है, पूरा फोकस आपको अपने ब्रीथिंग के ऊपर लगा के रखना है। तो इस तरीके से हमें यह वरुण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। वरुण मुद्रा को करके आप बहुत सारे बेनिफिट्स अपने शरीर को दे सकते हो। हमारा पूरा शरीर 70% से ज़्यादा पानी से बना होता है। हमारे शरीर के सभी कोशिकाएं, खून, हॉर्मोन्स, हमारी त्वचा, हमारे मसल्स, हमारा कार्टिलेज, यह सभी जगह पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी तत्व होता है। अगर हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में पानी की कमी आ जाती है तो फिर वह ऑर्गन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है, फिर वहाँ पर गड़बड़ आना शुरू हो जाती है। तो यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर के सभी ऑर्गन में पानी तत्व को बैलेंस में ला के अपने शरीर को हमेशा यौवन प्रदान कर सकते हो। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना होता है। यह 5ों तत्व हमारे हाथ की सभी फिंगर में होते हैं। यहाँ पर अग्नि तत्व, यहाँ पर वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व यहाँ पर होता है। अगर थंब की टिप को लिटिल फिंगर की टिप के साथ आप ज्वाइंट करते हो तो हमारे शरीर में जो जल तत्व है वह बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। अगर शरीर में कोई भी जगह पर पानी की कमी आती है तो वहाँ पर सूखापन आता है,
फिर वहाँ पर आपको रोग आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके आँख में सूखापन आता है तो वहाँ पर बार बार इन्फेक्शन लगती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इचिंग होता है, तो यह मुद्रा को करके आप वहाँ पर फायदा दे सकते हो। हमारा जो पानी तत्व है वह जीवा के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके जीवा में सूजन है, जीवा आपकी फट रही है, तो उसमें यह मुद्रा करके फायदा ले सकते हो। अगर आपके मुंह का टेस्ट पूरी तरीके से चला गया है या फिर मुंह में बहुत ही ज़्यादा सूखापन है, तो यह मुद्रा को करके आप फायदा दे सकते हो। अगर आपके चेहरे की या तो शरीर की कोई भी जगह पर स्किन में बहुत ही ज़्यादा सूखापन है, स्किन आपकी फट रही है, स्किन के संबंधी अलग अलग रोग हो रहे हैं जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस या फिर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, तो उसमें भी यह मुद्रा करके फायदा ले सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है फिर भी यह मुद्रा करते हो, तो आप अपने शरीर की त्वचा को हमेशा सुंदर और यौवन बना के रख सकते हो। बाजार में जो अलग अलग महंगे प्रोडक्ट्स मिल रहे इनसे भी अनेक गुना फायदा आप यह एक मुद्रा को करके अपने शरीर को दे सकते हो। अगर आपके श्वसन तंत्र में सूखापन आ रहा है तो इनकी वजह से आपको बार बार सूखी खांसी आती है, वहाँ पर बार बार इन्फेक्शन लगती है, तो यह मुद्रा को करके आप बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट ले सकते हो। अगर आपके शरीर में अलग अलग हॉर्मोन्स की कमी है जिनकी वजह से आपको थायराइड की तकलीफ हो रही है, डायबिटीज हो रहा है या फिर प्रजनन तंत्र के संबंधी अलग अलग तकलीफें हो रही है, तो यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर में हॉर्मोन को बैलेंस ला सकते हो, हॉर्मोन की कमी को पूरी कर सकते हो। अगर शरीर से पेशाब ज्यादा बाहर निकल नहीं रहा है, पेशाब की कमी है, तो उसमें भी यह मुद्रा फायदा करती है। शरीर में खून की कमी है जिनको एनीमिया बोला जाता है, उसमें भी यह मुद्रा फायदा करती है। अगर आपको बंस हुआ है यानी कि आग की वजह से आपका शरीर जल गया है, शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी की कमी हो गई है, तो यह मुद्रा को करके आप शरीर को फायदा दे सकते हो। अगर आपको रात के समय या फिर दिन कि कोई भी समय पर अगर आपको बार बार क्रैम्स आते, आपके मसल खींच जाते, तो उसमें भी यह मुद्रा काम करती है, क्योंकि क्रैम्स होने का सबसे बड़ा रीजन होता है शरीर में पानी की कमी। अगर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, खास करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो घुटना होता है इनके अंदर जो लुब्रिकेटिंग फ्लूड होता है वह सूखने लगता है, फिर वहाँ का जो कार्टिलेज होता है वह घिसने लगता है, जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है, तो उसमें भी यह मुद्रा करके आप फायदा दे सकते हो। इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति एकदम से बेहोश हो गया, खास करके गर्मी की सीजन में सन स्ट्रोक लगने की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई भीड़ वाली एरिया में आप चले गए हो जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गए, तो उस वक्त आप यह व्यक्ति की लिटिल फिंगर और थंब की टिप है इनको ऐसे रब करा के उनको फायदा दे सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स आप यह एक मुद्रा को करके ले सकते हो। तो यह मुद्रा को आप दिन में 45 मिनट के लिए अभ्यास करिएगा तो यह अलग अलग प्रॉब्लम्स में फायदा दे सकते हो। अगर एक समय पर आप 45 मिनट के लिए यह मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकते हो तो दिन में 3 बार 15-15 मिनट के लिए इनका अभ्यास करके फायदा ले सकते हो। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो यह मुद्रा का अभ्यास 10-15 मिनट के लिए भी दिन में करके आप फायदा ले सकते हो। तो आज से यह मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दीजिए। आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।